मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना कभी, चाहिए कभी कभी ऐसा हो जाता है सरकार वापस होना चाहिए, अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ अभी, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव मीरापुर है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले, मीरापुर जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन हों, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब, मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखे हैं, अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा। पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। आप तो सहयोगी दल हो तो आपने उनके नेताओं को इस बार मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए, कभी 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 ऐसा हो जाता है सरकार वापस होना चाहिए, अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। गैंग जी टायर पंचर पे भी लग रहे हैं आप तो, नाम के वोट क्या, पहले तो खाने पीने की दुकानों पर था, टायर पंचर कहाँ कहाँ लगाओगे, अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम कि देख के हाथ मिलाना है या गले लगाना है।